जो उनकी मैं बात करूंगा चेकलिस्ट की, तो बड़े ट्रांसपोर्टर्स बहुत सारी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्टर में ये होना चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज होती है उनका जो माल होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी कॉर्पोरेट का, लॉजिस्टिक का, वो माल लाखों नहीं करोड़ों रुपए का होता है। और इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसकी कोई बात नहीं करता, वो है ड्राइवर्स। वो सबसे बड़ा हो ड्राइवर, वो एक छोटा सा ड्राइवर, वो लाखों करोड़ों रुपए का माल एक जिसके भरोसे वो पूरा ट्रांजिट करता है। और उसके बारे में अगर सोचना स्टार्ट किया तो हमारा सेकंड इनिशिएटिव था कि जो वाहक ने सिर्फ सोचा कि उसके बारे में भी हमें सोचना है कि भाई उसकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। तो हमने दो चीजों के बारे में सोचा, पहले तो ट्रांसपोर्टर का प्रॉफिट बढ़ाते हैं, जब प्रॉफिट बढ़ेगा ट्रांसपोर्टर का तो वो ड्राइवर का भी ख्याल रखेगा, इन केस अगर वो कैपेबल नहीं है तो हम उस लायक बनाएंगे कि उन चीजों के ऊपर लेके आए। छोटे छोटे शहरों में अपने इनिशिएटिव को लेके जाना, उनको अवेयर करना। कंपनी के पास प्रोडक्ट्स बहुत सारे होते हैं लेकिन हम उसको ग्राउंड तक लेके नहीं जा पाते, तो जिसकी वजह से हमारी जो टाइम का जो कॉस्ट का है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से मैनेज हो रही है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी आप देख रहे हो कि हाई मैनेजमेंट टाइम कॉस्ट, तो कई जगह तो लिमिटेशन इस बात की है कि उसके अंदर ट्रैकिंग है, जीपीएस ट्रैकर्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से उनकी ट्रैकिंग आ रही है, बट फिर भी वो टाइमली उनकी डिलीवरी नहीं हो रही है। डिस्पैच करने वाला माल डिस्पैच करने उसको तो पेमेंट मिल गई, वो आराम से बैठा है, लेकिन वहां पर टाइमली डिलीवरी हो रही है कि नहीं हो रही है उसकी कोई चिंता नहीं करता। हमारे जो यूजर्स हैं उनको हम ग्राउंड लेवल पे जाके एक ऐप इंस्टॉल केवल नहीं कराना हमारा होता है, हम उनको ये भी कहते हैं कि भाई आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस रिकॉर्ड हो गए, छोटे छोटे से खर्चे होते हैं, जैसे किसी का पोल्यूशन एक्सपायर हो गया या किसी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, छोटे छोटे से खर्चे जहाँ पे उनको एक्सपेंसेस अपने बुक करने पड़ते हैं, अनऑथराइज एक्सपेंसेस होते हैं। इसके बाद हम आते हैं दूसरे नंबर पे जो फ्यूल की वेस्टेज। अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि भाई फ्यूल की वेस्टेज के ऊपर ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं, फ्यूल चोरी भी होता है, ऑब्वियस आप लोगों ने देखा होगा टीवी में और बहुत सारी जगहों पे फ्यूल चोरी हो रहा है लगा के उसके बाद, तो फ्यूल वेस्टेज का पार्ट क्या क्या है, क्या तेल चोरी ही एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से फ्यूल का वेस्टेज हो रहा? जी नहीं। अगर एक ड्राइवर, फिर से मैं उसी बात पे आऊंगा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ड्राइवर बिहेवियर, जब हम ड्राइवर बिहेवियर की बात करते हैं तो एक 25 साल का एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर और एक 2 साल का जो एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर है, दोनों में हो सकता है कि 2 साल वाला ड्राइवर बिहेवियर बहुत अच्छा हो, लेकिन वो सब चीजों का रिकॉर्ड कैसे करेंगे? बाहरी कंपनियां, इंडिया से बाहर अगर हम जाते हैं ट्रांसपोर्ट जो लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं इंडिया से बाहर, वो सबसे पहले अपने जब पायलट को, उन्हें पायलट कहा जाता है, तो उन पायलट्स को जब ग्राउंड पे छोड़ते हैं तो उसके बाद सबसे पहले 1 महीना तो हमारे पास तो केवल वर्बल इंटरव्यू का होता है, 1 महीना उनके ड्राइवर बिहेवियर लेते हैं। ड्राइवर बिहेवियर के पार्ट क्या क्या होते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कितनी बार ब्रेक यूज करता है, कितनी बार वो एक्सेलेटर पर पैर डालता है, कितनी बार वो क्लच दबाता है, कितनी स्पीड में चलाता है, वो किस तरीके से ड्राइविंग कर रहा है, और गुड्स के अकॉर्डिंग अगर उसे पता है कि पीछे मेरे जो व्हीकल है वो उसके अंदर कुछ ऐसे चीजें हैं जो कहीं डैमेज हो सकती है 60 की स्पीड में, 30 की स्पीड में, या फिर कहीं उसको यूटर्न नहीं लेना चाहिए था, या फिर उसको कहीं रोड के नीचे उतार के नहीं चलाना चाहिए था, जिसकी वजह से ड्यूरिंग द ट्रेवल। तो अभी जो बड़ी कंपनियां हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो ऐसे ही ड्राइवर को प्रेफर करती हैं। सबसे पहले वो ट्रांसपोर्टर से बोलती हैं, यार तुम्हारा जो सबसे अच्छा बंदा हो वो उसी को मैं माल दूंगा, उसी ट्रक में मेरा माल जाएगा।